सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले की एसओजी सर्विलांस और थाना डेबरुआ की पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय लुटेरों को पकड़ने में सफलता पाई है। 28 जून को डेबरुआ थाना क्षेत्र में एक महिला के गले का चेन छीनकर एक अज्ञात व्यक्ति भाग गया था। इस घटना की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर खुलासे के लिए स्पेशल टीम गठित की गई थी। आज इस टीम को सफलता हाथ लगी है और 3 अंतर्राष्ट्रीय सातिर लुटेरों को इस टीम ने धर दबोचा। पुलिस को मिली इस सफलता के बारे में एडिशनल SP सुरेंद्र चंद्र रावत ने बताया कि इन लुटेरों के पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल, लूट के 8,000 रुपये नेपाली एवं 2,000 रुपये भारतीय एवं 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। पकड़े गए सभी लुटेरे नेपाल देश के निवासी हैं। इनके खिलाफ जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए हैं, क्या है मामला पूरा? ये जनपद सिद्धार्थनगर में एक घटना घटित हुई थी 28 जून को, जिसमें एक महिला की चेन को लूट लिया गया था। और उस घटना में स्वाट टीम प्रभारी जीवन त्रिपाठी और ढेबरुआ थाना प्रभारी हरिओम कुशवाहा, इनको लगाया गया था और ये संयुक्त रूप से लगातार काम करते रहे इस पर। ये ब्लाइंड केस था। हमारी टीम ने इसमें लगभग 48 जगहों पर CCTV फुटेज को देखा है और जो अन्य साक्ष्य थे संकलित किया है। उसके बाद ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें अशोक यादव जो है, जिसने जो मौके पर जिसका फुटेज भी आया था और ये लूट में मुख्य रूप से शामिल था, इसके साथ में शोभनाथ और राहुल 2 अपराधी और थे। इन तीनों को आज धरवार के पास से सुबह पकड़ा गया है। इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी मिली हैं और 8,000 रुपये नेपाली मुद्रा और 2,000 भारतीय मुद्रा इनके पास से बरामद की गई है। इनको गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। अभी इनका आपराधिक इतिहास, क्योंकि नेपाल राष्ट्र के निवासी हैं इसलिए नेपाल से पता किया जा रहा है। और इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इनको गिरफ्तारी करने वाली जो टीम है उसको 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अभी ये देखा जा रहा है, क्योंकि इनकी रिश्तेदारियाँ बहुत हैं, बलरामपुर में भी हैं, हमारे बढ़नी में भी हैं, तो इनका मूवमेंट इधर रहा है। निश्चित रूप से घटना किए होंगे और अभी जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से भी संपर्क करके अपराध ज्ञात किया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।